पोको का M6 Plus 5G अनबॉक्सिंग के लिए हमारे पास आ गया और ये फ्लिपकार्ट पर लिस्टेड है। इसका जो प्राइस है तकरीबन 13,000 में 128 प्लस 8 GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, उससे पहले आप सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर वीडियो को लाइक कर दो। बॉक्स कंटेन में देखो ओप्पो वाले आपको सब कुछ दे रहे हैं, तो ये बढ़िया बात है। वैसे ये 3 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, मिस्टी लवेंडर जो मेरे पास आप देख रहे हो, आइस सिल्वर एंड ग्रेफाइट ब्लैक कलर भी आप बाय कर सकते हो। बैक साइड फनी टाइप कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। इसका जो फ्रेम है पॉलीकार्बोनेट का है एंड बैक में मिनरल ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। अगेन पोको की ब्रांडिंग है यहाँ पर, काफी अच्छी लुक है प्राइस के हिसाब से। और इसमें आपको स्प्लैश प्रूफ के साथ IP53 की रेटिंग भी मिल रही है, धूल वगैरह इसमें ना जाए तो डस्ट प्रूफ भी है। इसका वेट 205 ग्राम है, 8.5 mm की थिकनेस भी लेकर आता है। डिस्प्ले पर स्क्रैच वगैरह ना आए तो पोको वालों ने आपको स्क्रीन फिल्टर भी लगा कर दिया है। आप इसे हटाकर टेम्पर्ड ग्लास लगवा लेना। सामने से आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन एंड डिस्प्ले की बात करते हो, 6.79 इंच की पंच होल LCD डिस्प्ले मिल रही है। बेजल वगैरह चेक करो ठीक ठाक है। वैसे इसमें आपको 550 नाइट्स की ब्राइटनेस भी मिल रही है। आउटर वगैरह में यूज कर रहे हो तो इस तरीके का व्यूज मिल रहा है। साथ में 120Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलता है जो इसकी डिस्प्ले को और ज्यादा स्मूथ बनाता है। एंड डिस्प्ले क्वालिटी भी चेक करो, काफी अच्छी डिटेल मिल रही है, कलर भी ठीक ठाक है। YouTube वगैरह देखते हो तो 1080p का सपोर्ट भी दिया गया है, तो प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी है। साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो हर बार यूज करने पर काम करता है। वैसे फेस लॉक भी मैंने चेक किया, बढ़िया काम करता है। वैसे इस प्राइस में आपको परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक मिल रही है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4Gen 2 एक्सीलरेटेड एडिशन वाला 4nm प्रोसेसर मिलता है। N22 स्कोर चेक करोगे तो 4 लाख से भी ऊपर पहुंच जाता है। बेंचमार्क स्कोर भी देख लो, नॉर्मल टास्क वगैरह करते हो तो ये फोन आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये एक बजट फोन है, इतने पावरफुल नहीं होते। मैंने इसमें BGMI भी ट्राई किया था, 40fps तक आपको गेमिंग करवा देगा। इसके ग्राफिक सपोर्ट की बात करें तो HDR+ हाई तक आप गेमिंग कर सकते हैं। और इसमें मैंने 10 मिनट की थ्रॉटिंग भी टेस्ट करी थी, ये रहा ग्राफ चेक करो। तो ये फोन हल्के फुल्के हीट होते हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आप इसे आराम से बाय कर सकते हैं। और अब इसका कैमरा भी चेक करो, इसमें आपको 108MP का वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा दिया गया है। साथ में एक 2MP का माइक्रो भी है रिंग LED फ्लैश के साथ। एंड आप इसमें फुल HD 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर पाएंगे, अप टू 10x तक का डिजिटल जूम भी मिल रहा है। ये रहे कुछ इसके कैमरा ऑप्शन, एंड 108MP का अलग से ऑप्शन दिया गया है, आप इसमें 10x तक का डिजिटल जूम भी कर सकते हैं। और ये रहे कुछ फोटो जो इसी फोन से लिए गए हैं, स्किन टोन एंड कलर प्रोडक्शन काफी अच्छा है। वैसे इसमें आपको 30MP का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है, इसमें भी आप फुल HD में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ये रहे कुछ फोटो जो इसी फोन से लिए गए हैं, तो प्राइस के हिसाब से कैमरा बहुत अच्छा है। साउंड क्वालिटी के अंदर आपको इसमें बॉटम साइड सिंगल स्पीकर एंड कॉल क्वालिटी के लिए सिंगल माइक दिया गया है, तो साउंड क्वालिटी काफी अच्छी डिटेल प्रोड्यूस कर रही है। एंड टॉप में आपको 3.5mm हेडफोन जैक भी दिया गया है, साथ में आपको आयर ब्लास्टर भी मिल रहा है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा जो हाइपर OS पर बेस्ड रहेगा। अपडेट सपोर्ट में आपको 2 ईयर का OS एंड 4 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट दिया जाएगा, तो अपडेट सपोर्ट काफी अच्छा है। नेटवर्क के अंदर आपको 7 5G बैंड मिलते हैं, इसमें आप 2 सिम या 1 सिम 1 SD कार्ड लगा सकते हो, हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है। तो ये एक बजट स्मार्टफोन है, नॉर्मल यूसेज के लिए बनाया गया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये फोन आपको कैसा लगा। एंड मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी टेक वीडियो मैं डेली अपलोड करता हूँ, प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना। गुड बाय।